कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई थी जो आपको डेली करनी चाहिए। एक तो कार्डियो हो, वन ये एक एक्सरसाइज बताई थी कि आपको 10 मिनट ये आपके न्यूरोजेनेसिस एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाएगा। इसको अगर नहीं कर रहे हैं तो वापस से करना अपन शुरू कर दें। कुछ नहीं जाता, बैठे बैठे अगर पढ़ते पढ़ते भी आप इसको कर सकते हो, वेरी इजी। सेकंड, दिस इज सेटअप करना, आपको दोनों कान पकड़ के आपको बैठना है, जब सांस लेना ऊपर आगे तो सांस छोड़ना। थर्ड, दिस वन, तो ये 5 मिनट में आपकी ये एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइज हो सकती हैं। बहुत सिंपल है, ये टिप्स पे आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती हैं। इट्स वेरी सिंपल एक्सरसाइज, थोड़ा टाइम, मैं तो जल्दी कर रहा हूँ बट थोड़े टाइम इसको होल्ड करना। तो अभी एग्ज़ाम्स और भी आएंगे, अगर ये प्रैक्टिसेस आप नहीं कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस आज से, कल से। हाँ, एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन का, कि आज का जो टारगेट है उसको आप कल पे मत टालो, क्योंकि अब 1 महीना ही बचा है। तो वैसे भी तो ये लाइफ में भी ऐसे ही है, आप जितना ज़्यादा योगा या बॉडी माइंड वर्क को आप टालते जाओगे, यू विल लूज समथिंग। आज से करते जाओगे तो एक हैबिट बन जाएगी, आपके प्रोग्राम में आ जाएगा और ब्रेन शार्प होगा। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स एंड इफ यू थिंक यू आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रादर आई विल से दैट इज़ रॉन्ग बिलीफ। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेडियोकर हो तो यू आर नॉट, दैट इज़ जस्ट एन बिलीफ। अगर ये सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, हम साइंस को समझते हैं, टेक्निक्स को समझते हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी वाली परिभाषाएँ ख़त्म हो जाती हैं। You will feel confident as they are, even I will say more confident, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा conscious रहोगे और उन चीज़ों और learning के लिए भी आप कोशिश करते रहोगे, because you become aware. But again, start from today और start from half an hour, आप दो brain को अपने mind को clear है। सो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, जो अपन को बहुत सिंपल सा, बहुत हार्ड कुछ भी नहीं है। 10 मिनट कार्डियो, लिटिल बिट एक्सरसाइज और आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस जितनी करनी है वो करनी है, तो ये करो। लेकिन कोशिश करके उसकी भी टर्म्स आप समझ सकते हो, जो लॉजिक एंड व्हाट इज लॉजिक एंड क्रिएटिविटी, सो दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। माइंड में टू टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, सो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। अगर आप इसको भी स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं लॉजिक हावी है और हम लोग की क्रिएटिविटी और लॉजिक का बैलेंस नहीं है, इसलिए हम पढ़ने में बोर हो जाते हैं। अगर इस टेक्निक को आप ऑप्ट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टर्म्स को साइंटिफिकली हम लोग समझ के इसलिए चलते हैं कि दैट विल गिव यू मोर मैसेजेस, क्लियर मैसेजेस टू योर ब्रेन, तो आप उस चीज़ को एक्शन में लाओगे। अदरवाइज यू थिंक दीज सेशंस आर जस्ट मोटिवेशनल सेशन, तो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल सेशन एंड दीज इज़ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। वी पर्सनली ट्राइंग दीज टेक्निक्स डेली इन योगा एंड वी फाइंड, इवन मुझे पता नहीं आप लोगों का फोकस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन मेरा फोकस बहुत बढ़ गया जब से मैंने आप लोग को पढ़ाने के लिए कुछ, मेरा ये डोमेन नहीं था, मेरा तो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन मेन डोमेन था, बट वंस आई बीन विथ स्टूडेंट्स तो मुझे स्टडी पूरा ब्रेन साइंस और फोकस को स्टडी करना पड़ा, एंड दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। मतलब आई फाइंड अमेजिंग रिजल्ट। मैं पहले आधे घंटे में बोर हो जाता था, वो ब्रेक लेना पड़ता, मैं एक एक घंटे बैठ के पढ़ता रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं पड़ता। मैनी टाइम यू ऑल्सो सॉ दैट, मैं कंटिन्यूस लिसनिंग भी बढ़ गई मेरी। तो ये टेक्निक्स बहुत अच्छी है, मतलब स्टडी में लिटरली आपको डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड होंगे और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर है? सो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का एक कॉम्बिनेशन आप बनाने की कोशिश करो। सो दिस दैट इज बिकॉज जस्ट ये टॉपिक एक इंसाइट देने के लिए कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है। आप इस पर और भी हाईलाइट्स दे सकते हो कि हाँ नहीं, इस कारण से मेरा इंटरेस्ट नहीं, इस कारण से। आई हैव गिवन यू एन आइडिया कि ये रीज़न हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की कमी है,
हम लोग स्टडी से भागते हैं। एक चीज़ ये हो सकती है कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें पॉइंट ये है कि अगर वो नेसेसरी, अभी जैसे 9th 10th में तो सारे सब्जेक्ट है, 11th 12th में अगर किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो या तो आपने वो सब्जेक्ट गलत चूज़ किया है या टेक्निक्स को आप ऑप्ट नहीं कर रहे, तो आपको उसमें भी अवेयरनेस आ जाएगी कि नहीं, हाँ कहीं ना कहीं टेक्निक्स को समझने की ज़रूरत है। क्लियर? कुछ बहुत बेसिक से चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम टाइम में आपको करनी है, जैसे स्ट्रेस की आपका इशू है तो नाइट स्टडी अपन को नहीं करना, क्योंकि नाइट स्टडी से ब्रेन में कॉर्टिसोल बनता है, कॉर्टिसोल से स्ट्रेस होता है। दिस इज़ अगेन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू कि अपन को नाइट स्लीप प्रॉपर हो तो नाइट स्टडी से कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं होता। क्या करना चाहिए, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको आप ग्रुप स्टडी अगर करते हैं तो आप चैप्टर्स को डिवाइड कर लो, एक दूसरे को आप पढ़ाओ, तो वो एक मेमोरी रिटेंशन की एक अच्छी टेक्निक है। लास्ट फ्यू पॉइंट्स आई विल लाइक टू से दैट एक मेमोरी और मेमोरी रिटेंशन से लेके एक टर्म है फॉरगेटिंग कर्व। व्हाट इज़ द टर्म? Anybody can guess what is that? मतलब ऐसा आज पढ़ा है तो 100% आधी आधी पढ़ा है, पर थोड़े दिन बाद वो भूल जाते हैं, थोड़ा फिर से रिवाइज करके थोड़ा और ऊपर का पहुंचा दिया, फिर जैसे थोड़ा भूलने लगे फिर से याद करके कर और पहुंचा दिया। या एग्जैक्टली, डू यू नो अबाउट दिस थिंग? आपको पता है ये चीज, आपको पता है ना? फॉरगेटिंग कर्व इज दैट के आप अगर कोई चैप्टर आपने पढ़ा है और अगर 28 दिन तक आपने उसको रिमाइंड नहीं किया तो केवल 7% आपको याद रहता है। क्लियर है? तो फॉरगेटिंग कर्व को अंडरस्टैंड करें, एंड उसके साथ में टेक्निक का नाम है स्पेस रिपीटेशन। आपको पता है 7 दिन में इतना कम होगा तो 7 दिन में रिपीटेशन करना है, तो फॉरगेटिंग कर्व को अपन को मैनेज करके चलना। क्लियर है? बाकी बेसिक चीज़ें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सबको पता है कि अभी ज़्यादा बाहर नहीं जाएं, फिजिकली फिट रहें, हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड अभी नहीं खाएं एटलीस्ट फॉर कमिंग 1 month, और एंड टाइम पे किसी भी फ्रेंड से सजेशन नहीं लें कि हाँ तुमने कितना पढ़ा मैंने कितना पढ़ा, दैट विल कन्फ्यूज। जितना हो गया उसको आप कंटिन्यू करें। एंड माय टैगलाइन फॉर टुडे इज इन्वेस्ट सम टाइम इन टेक्निक्स। इन नेक्स्ट सेशन आई विल ट्राई टू सर्च स्पेसिफिकली लर्निंग टेक्निक्स एंड वी विल टॉक अबाउट दैट।